आने वाला है और ये 23 तारीख को होगा। जी हाँ, बीजेपी इसकी पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन करने वाला है बीजेपी। हालांकि बीजेपी इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता रहा है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को भोजपुर जिले में विजयोत्सव की तैयारी को लेकर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आने वाले 23 अप्रैल को जिले के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बाबू वीर कुंवर को। यह कार्यक्रम 75वें अमृत महोत्सव के तहत भी मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को विश्व विख्यात बनाने के लिए हजारों तिरंगे फहराए जाएंगे और आज इसको लेकर पटना में बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता कर इस पर अधिक जानकारी दी है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव जिस सोच के साथ और जिस संकल्प के साथ मनाने का निर्णय हुआ था, आज वह सोच और वह संकल्प सकारात्मक रूप से अपनी दिशा की ओर बढ़कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर है। चलिए, चुनाव से पहले चौकसी। जी हाँ, बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की और इसको लेकर एक बड़ी चौकसी बरती गई है। इसको लेकर एक बड़ा फेरबदल किया गया है। राजधानी पटना में 20 थानेदारों और अंचल पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि रंजीत कुमार रजक अब गर्दनीबाग के थानाध्यक्ष होंगे, वहीं धीरज कुमार श्रीकृष्णपुरी के थानाध्यक्ष होंगे। अगर नौबतपुर की बात करें तो रफीकुर रहमान नौबतपुर के थानाध्यक्ष होंगे। कई इंस्पेक्टर का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उनका ट्रांसफर किया गया है। बताते चले कि आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इंस्पेक्टर और सिपाहियों का ये तबादला हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुपौल की। सुपौल के मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी की तबियत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। वहीं आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बताते चले आपको कि विचाराधीन बंदी को शराब और अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी ओर आरजेडी नेता ने घटना की निंदा करते हुए अस्पताल